हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। आज के दिन की बात करें तो 3% के ऊपर की गिरावट के साथ हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 73.53 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है, अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन कर चुका है, अब जंप आता है तो थोड़ा सा अवेयर रहना, ऐसा हमने डिस्कस किए थे। और हम देख सकते हैं लगातार सेलिंग अब स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। 84 के लेवल से एक दफ़ा चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। गिरावट आई, जंप आया, इस हाई का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट था और अपसाइड के लिए। क्या स्टॉक ने ब्रेकआउट किया? नहीं किया। रिजेक्शन के साथ गिरावट आई, अगेन छोटा मोटा जंप आया, अगेन गिरावट, अगेन एक छोटा मोटा जंप। देख सकते 80 के लेवल पर ही रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद गिरावट, तो अपना रिसेंट लो ब्रेक डाउन। तो हमने कहा था कि यहाँ से आप लो और लो चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है, गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो थोड़ा सा इंतज़ार भी रहना है। और बड़े बड़े एनालिस्टों ने भी यहाँ 50% प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, सजेशन किया था 50% प्रॉफिट बुकिंग का। गिरावट भी आ सकती है और टारगेट के तौर पर 94 तक के टारगेट भी एनालिस्टों ने दिए थे। और हम देख सकते हैं गिरावट देखने के लिए मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने हो सकती है। तो अब नीचे की तरफ और गिरावट आती है, तो ये जो लो हाई है जहाँ इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था, हम देख सकते हैं उस लेवल को एक दफ़ा देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 71 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, तो ये जो लो है जहाँ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था, 64 का लेवल सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा सुजलॉन के लिए। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बने हुए, अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन तो मतलब फिर बड़ी गिरावट। अब अगर जंप आता है तो ऐसे में क्या, जैसा कि हमने देखा जंप आया था, रिजेक्शन लिया, लो ब्रेक डाउन, जंप आता है तो 76 तक का स्टॉक जंप दिखा सकता है, लेकिन रिजेक्शन लेकर इस लो के ब्रेक डाउन करने के चांस बन रहे, हाईली चांस बन रहे आप यहाँ से गिरावट के। अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो ये जो हाई है जहाँ दो दफ़ा रिजेक्शन फेस किया था, 80 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करके 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर ये सिनारियो स्टॉक में नज़र आता है तो वैसे कंडीशन में फिर एक क्लियर कट अगेन अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, लेकिन फ़िलहाल स्टॉक गिरावट में, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।